हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमारे पास थ्री मेथड्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड, सेकंड हमारे पास है इनकम मेथड, और थर्ड हमारे पास है एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों ही मेथड्स में से आज हम डिस्कस करेंगे वैल्यू एडेड मेथड, इसको अंडरस्टैंड करेंगे और साथ ही इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि क्यों इन थ्री मेथड्स को ही यूज करते हुए हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेसिक फंडा क्या है वैल्यू एडेड मेथड का, इनकम मेथड का और एक्सपेंडिचर मेथड का, सबसे पहले हम वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उसके बाद वैल्यू एडेड मेथड को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट मेथड हमारे पास है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंग बेसिक फंडा क्या है, इसमें हमें कहते हैं कि अगर हमने अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए मार्केट में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की जा रही हैं, अगर उसके मार्केट प्राइस को हम ऐड अप कर दें, सम अप कर दें, तो हमारे पास एक ऐसी फिगर आ जाएगी जिसको यूज करते हुए हम अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंग अगर हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो मार्केट में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की जा रही हैं उनके मार्केट प्राइस को हमें क्या कर देना है, ऐड अप कर देना है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है इनकम मेथड, और इनकम मेथड के अकॉर्डिंग हमें क्या कहते हैं कि अगर हमने अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सबकी अर्निंग्स को अगर हम ऐड कर दें, जो वो पैसा अर्न कर रहे हैं, जितनी वो अमाउंट अर्न कर रहे हैं, अगर उसको हम ऐड अप कर दें तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। और लास्ट मेथड हमारे पास है एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड में हमें क्या कहते हैं कि अगर हमने अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है तो हम एक्सपेंडिचर्स को ऐड अप कर दें, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो वो अपने एक्सपेंसेस कर रहे हैं अपनी लिविंग के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए जितने भी वो खर्चे कर रहे हैं, अगर उसको हम ऐड कर दें तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। और इसमें सिंपल फंडा क्या है, क्योंकि एक पर्सन के एक्सपेंडिचर्स दूसरी पर्सन की क्या बन जाती है, इनकम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 20 रुपीज की कोई चॉकलेट परचेज की तो वो आपके लिए एक्सपेंडिचर है, लेकिन जिससे आपने परचेज की उसके लिए वो क्या है, इनकम है, उसकी अर्निंग है। सो इसलिए अगर हम इनकम मेथड को यूज करेंगे तो हमें इनकम के ऊपर ध्यान देना है, उस पर्सन की इनकम को कैलकुलेट कर लेना है। अगर एक्सपेंडिचर मेथड को हम यूज कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, उस पर्सन के एक्सपेंडिचर्स को काउंट कर लेना है, तो भी हमें इनकम पता चल जाएगी, क्योंकि एक पर्सन का एक्सपेंडिचर दूसरे पर्सन की क्या बन जाती है, इनकम। सो ओवरऑल अगर कहा जाए वैल्यू एडेड मेथड में हमें गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ध्यान देना होता है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सप्लाई होती हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उनके मार्केट प्राइस को ऐड कर देना है। इनकम मेथड में जो अर्निंग्स है मार्केट में, चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल हो, उन सबकी अर्निंग्स को ऐड कर देना है। और लास्ट में अगर एक्सपेंडिचर मेथड है तो हमें एक्सपेंसेस को ऐड कर देना है। इन तीनों ही मेथड्स को यूज करते हुए हमारे पास एक बेसिक फिगर आ जाती है जिसको यूज करते हुए हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। So, ये बेसिक फंड है जिसके अकॉर्डिंग ये थ्री मेथड्स डेवलप किए गए। सो चलिए अब हम अपना फर्स्ट मेथड वैल्यू एडेड मेथड स्टार्ट करते हैं। इन दिस मेथड द मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर समड अप टू फाइंड आउट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वैल्यू एडेड मेथड में क्या किया जाता है, जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में सप्लाई की जाती हैं उनके मार्केट प्राइस को हमें ऐड करना होता है। एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में फ्लो की जाती हैं, सप्लाई की जाती हैं, जब हम उनके मार्केट प्राइस को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास एक ऐसी बेसिक फिगर आ जाती है जिसको यूज करते हुए हम अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू एडेड मेथड से जो हमारे पास बेसिक फिगर आती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात कही जा रही है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब वो गुड्स जो फाइनली मार्केट में सप्लाई की गई हैं कंज्यूम करने के लिए। अगर वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इट मींस वो ऐसी गुड्स हैं जो फाइनली अभी रेडी नहीं हुई हैं मार्केट में यूज करने के लिए, उनको हमें इंक्लूड नहीं करना। यहां पर लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। जब हम वैल्यू एडेड मेथड यूज करते हैं तो हमें सिर्फ उन गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करना होता है जो फाइनली कंज्यूम करने के लिए रेडी हो चुकी हैं। अगर वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, अभी फाइनली कंज्यूम करने के लिए रेडी नहीं हुई हैं, विद इन दी बाउंड्री हैं, तो उसको हमें ऐड नहीं करना। सो इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड क्यों नहीं करना, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसको यूज करते हुए हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों वैल्यू एडेड मेथड में हम फाइनल गुड्स ही ऐड करते हैं।
सो इस एग्जाम्पल में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया हुआ है, प्रोड्यूसर्स मीन्स फार्मर अपनी गुड्स सेल करते हैं फ्लोर मिलर को, फ्लोर मिलर आगे अपनी गुड्स सेल करता है बेकर को, और बेकर आगे सेल करता है फाइनल शॉपकीपर को, और शॉपकीपर आगे फाइनली किसको सेल करेगा, कंज्यूमर को। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स। फार्मर को गुड्स कितने की पड़ती है, 200 की, मतलब फार्मर जो अपनी प्रोडक्शन करता है उसके ऊपर उसको कॉस्ट कितनी आती है, 200 रुपीस की। इस 200 की कॉस्ट में वो अपना 400 रुपीस प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है और फाइनली वो गुड्स कितने की सेल करता है, 600 की। अब वो गुड्स 600 की सेल कर रहे हैं, किसको सेल कर रहे हैं, फ्लोर मिलर को। इट मींस फ्लोर मिलर ने कितने रुपीस की गुड्स परचेज की हैं, 600 की। सो फ्लोर मिलर के लिए ये गुड्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 600 की गुड्स में वो अपना 200 प्रॉफिट जो है वो मार्जिन ऐड कर दे। मार्जिन ऐड करने के बाद वो कितने की सेल करता है, 800 की। ये 800 प्राइस बेकर के लिए क्या बन जाएगा, कॉस्ट, क्योंकि बेकर फ्लोर मिलर से 800 की गुड्स परचेज करता है। ऐसे ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा। इसमें हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि ये हमारी इंटरमीडिएट कॉस्ट है, ये ऐसी कॉस्ट है जो अभी मार्केट में सप्लाई करने के लिए रेडी नहीं हुई। ये ऐसी गुड्स हैं जिनके ऊपर अभी आगे प्रोडक्शन होनी रहती थी, इसलिए इसको प्रोसेस किया गया। ये हमारे पास आती है वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड मेथड ये कहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही एड अप करना है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसमें नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास है फाइनल आउटपुट, जो फाइनल प्राइस है। सो इसको अगर हम एड अप करें तो फर्स्ट वैल्यू यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारे पास आएगी 2600। सो यहां पर हम लिख देते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है, 2600। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू एडेड कितनी आएगी, 1000। और लास्ट हमारे पास फाइनल आउटपुट कितनी आएगी, 3600। सो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अगर हम इस प्राइस को ऐड कर देते हैं तो इस 3600 में 2600 ऐसी अमाउंट है जो कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन की इंक्लूडेड है। और वैल्यू एडेड मेथड ये कहते हैं कि अगर आप फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को एड अप करना चाहते हो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, तो इसमें यानी 3600 में इंटरमीडिएट कंजम्पशन इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। सो अगर हम इस 3600 में से माइनस कर दें 2600, तो वैल्यू एडेड कितनी आएगी, 1000 रुपीज, जो कि हमारे पास यहां पर गिवन है। सो इस कॉन्सेप्ट को हमें अंडरस्टैंड करना है। अगर हम वैल्यू एडेड मेथड को यूज नहीं करेंगे, सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी फाइनल सेलिंग प्राइस को ऐड कर देते हैं, तो इसमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम मतलब इस वैल्यू में ये प्राइजेस भी इंक्लूडेड है, कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। सो कॉस्ट हमें एड अप नहीं करनी। अगर इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में अंडरस्टैंड करना है तो सिंपल एग्जाम्पल है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ये गुड्स का फाइनल प्राइस है। फार्मर ने 600 की गुड्स सेल की, फ्लोर मिलर ने 800 की गुड्स सेल की, बेकर ने 1000 रुपीस की गुड्स सेल की हैं, और शॉपकीपर ने 1200 की गुड्स सेल की हैं। ये सब जो है ये हमारे पास फाइनल मार्केट प्राइस है। लेकिन इन मार्केट प्राइस में जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये सभी इंक्लूडेड है। वैल्यू एडेड मेथड हमें कहता है कि हमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस चाहिए, लेकिन उसमें से कॉस्ट माइनस होनी चाहिए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जो कॉस्ट है वो इंक्लूड नहीं करनी। तो सिंपल है, ये 600 का जो प्राइस है इसमें 200 अमाउंट कौन सी है, प्रोडक्शन की कॉस्ट, तो वो हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी फाइनल गुड्स की प्राइस, जो कि ऐसी प्राइस है जिसमें कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है। ऐसे ही इस 800 में 600 रुपीस ऐसे हैं जो कि फ्लोर मिलर की कॉस्ट है, इसको भी हम माइनस कर देंगे क्योंकि कॉस्ट हमें इंक्लूड नहीं करनी होती। ऐसे ही ये 1000 रुपीस ऐसी अमाउंट है जिसमें 800 बेकर की कॉस्ट है, उसको हम माइनस कर देंगे। ऐसे ही 1200 रुपीस ऐसी अमाउंट है जिसमें शॉपकीपर की 1000 रुपीस क्या है, कॉस्ट है, इसको भी माइनस कर देंगे। सो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा ये है प्राइस हमारे पास फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। इसको हम एड अप करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1000। सो इसके अकॉर्डिंग हम अपना फॉर्मूला भी डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा कि हम फाइनली वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस इंक्लूड करें जिसमें इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड ही ना हो। सो वैल्यू एडेड मेथड का फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, जितनी भी वैल्यूज हमारे पास आएंगी वैल्यू एडेड की उसको हम एड अप कर देंगे, जो कि यहां पर हमारे पास दी हुई है। या फिर सेकंड, जो कि मेजरली मेथड यूज किया जाता है, जो कि आपको एक्सप्लेन भी करना है, वैल्यू
एडिड मेथड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो ये सेकंड मेथड जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया, वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी फाइनल प्राइस, इसमें से हमने जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, जो कॉस्ट है, वो माइनस कर दी। सो आई होप ये कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। वैल्यू एडिड मेथड में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करना है, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड इसलिए नहीं करना क्योंकि वो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को इंकरेज करती है। सो फाइनली वैल्यू एडिड मेथड का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो भी गुड्स फाइनली मार्केट में सप्लाई की गई हैं उन सबके मार्केट प्राइस को हम ऐड कर देंगे, लेकिन अगर उसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन इंक्लूडेड है तो उसको हम माइनस कर देंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट किससे मिलके बनता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में फर्स्ट हमारे पास आता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इसमें से माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के सब एलिमेंट्स यानी सब कंपोनेंट्स कोई भी नहीं है, इसका सिर्फ नेम आपको चेंज करके दे सकते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। या तो वो लिख सकते हैं कंजम्पशन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या फिर कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो नेम चेंज होगा लेकिन आपके पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही रहेगा वो। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इसके सब एलिमेंट्स पता होने चाहिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक किससे मिलके बनता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सो फाइनल हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये फॉर्मूला अप्लाई करने पर आपके पास जो आंसर आएगा वो है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर हमें कह रहे हैं कैलकुलेट दी वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मार्केट प्राइस पे हमने वैल्यू एडिड फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स जीडीपी एट एमपी। सो जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला अभी आपको एक्सप्लेन किया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है सेल्स 20,000, सो इसको हम यहां पर मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए चेंज इन स्टॉक। कंपलसरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक दिया हो, अगर गिवन है तो उसको हम यूज करेंगे, अदरवाइज नो नीड। सो ये हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक और ये हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक, 9,000 माइनस 5,000। नेक्स्ट हमें चाहिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन और वो हमारे पास गिवन है इंटरमीडिएट गुड्स। सो नेम चेंज किया है लेकिन आपको पता चल जाएगा क्योंकि इंटरमीडिएट वर्ड आपको गिवन होगा, इंटरमीडिएट गुड्स 5,800। सो यहां पर हम माइनस कर देंगे 5,800। सो ये हमारे पास आ जाएगा 24,000 माइनस 5,800। सो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा रुपीज 18,200 जीडीपी एट एमपी। अब फाइनल एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन इतना इजी नहीं आने वाला, वो आपको इसकी हेल्प से कहेंगे कि कुछ और वैल्यूज कैलकुलेट कीजिए। जैसे जीडीपी एट एमपी की हेल्प से आपको कैलकुलेट करना होगा जीडीपी एट एफसी। सो ये हमारे पास है क्वेश्चन, कैलकुलेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम सेम क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को यूज करते हुए अब हमें जीडीपी एट एफसी कैलकुलेट करने हैं। सो जीडीपी एट एमपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसी को यूज करते हुए अब हमें जीडीपी एट एफसी कैलकुलेट करने हैं। तो कैलकुलेशंस करने के लिए सबसे पहले आपको कन्वर्जन रूल्स पता होने चाहिए जो कि प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किए गए थे। अगर वीडियो आपने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जितनी भी वीडियोज हैं उन सबका लिंक आपको मिल जाएगा। सो फर्स्ट रूल हमारे पास आता है कि अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को कहा जाए तो नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डोमेस्टिक इनकम में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगी नेशनल इनकम। और अगर हमें डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने को कहा जाए तो डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला क्या होगा, नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। सो ये सिंपल सा रूल है, इसी फॉर्मूले के हेल्प से हमने सेकेंड फॉर्मूला डिराइव कर लिया,
डोमेस्टिक इनकम अगर कैलकुलेट करनी है तो नेशनल इनकम में से हमें क्या माइनस करना होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रोस इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। अगर हमें ग्रोस इनकम कैलकुलेट करने को कहा जाता है तो नेट इनकम में हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं, और अगर हमें नेट इनकम कैलकुलेट करने को कहा जाए तो नेट इनकम का फॉर्मूला क्या होगा, नेट इनकम इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। इट मीन्स अगर हम ग्रॉस इनकम में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट इनकम। लास्ट हमारे पास आता है कि अगर हमें नेशनल इनकम मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट करने को कहा जाए तो फैक्टर कॉस्ट में हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देंगे, और अगर हमें फैक्टर कॉस्ट पे इनकम कैलकुलेट करने को कहा जाए, जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में कह रहे हैं वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, सो अगर हमें फैक्टर कॉस्ट पे इनकम कैलकुलेट करने को कह रहे हैं तो हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस में से माइनस कर देनी है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किससे मिलके बनी होती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से। जब हम सब्सिडीज माइनस कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो यही फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। सो वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब है वो हमें कह रहे हैं कि जीडीपी एट एमपी नहीं एट एफसी कैलकुलेट कीजिए। सो इसके अकॉर्डिंग जीडीपी एट एमपी जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया, जिसकी अमाउंट क्या आई थी 18,200, इसको यूज करते हुए हम जीडीपी एट एफसी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, यहां पर हमारे पास है एमपी, यहां पर हमारे पास है एफसी, सारी वैल्यूज सेम है, यहां पर भी ग्रोस है, यहां पर भी ग्रोस है, यहां पर भी डोमेस्टिक इनकम के बारे में पूछ रहे हैं और यहां पर भी डोमेस्टिक है, बस चेंज इतने हैं, यहां पर फैक्टर कॉस्ट है और यहां पर मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस में से हम कौन सी वैल्यू माइनस कर दें कि हमारे पास फैक्टर कॉस्ट आ जाए। अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर फैक्टर कॉस्ट पे अगर आपको इनकम पूछी जाती है तो मार्केट प्राइस में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, फैक्टर कॉस्ट। सो मार्केट प्राइस में से अब हम माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें से हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फाइंड आउट करने हैं। हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो नहीं दिए हुए लेकिन उनके सब पार्ट्स दिए हुए हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस उसमें से अगर हम सब्सिडीज माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं 550 रुपीज हमारे पास है इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें से माइनस कर देंगे सब्सिडीज। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करनी है। इसको माइनस करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 17,700 रुपीज। सो ये हमारे पास आंसर आ गया जीडीपी एट एफसी। सो सिंपली ये कन्वर्जन रूल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनल पेपर में आपको इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा कि वो डायरेक्टली आपको डाटा प्रोवाइड कर दें और कह दें जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट कर लीजिए। आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना होगा कोई और वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। सपोज आपको वो कहते हैं कि आप एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट कीजिए, तो सबसे पहले गिवन डाटा को यूज करते हुए आपने जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना है, फिर इसको यूज करते हुए आप एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे वो भी हम देख लेते हैं। सो अब हमें एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है, एनएनपी एट एफसी, और हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, जीडीपी एट एमपी। सो अगर आप जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट कर चुके हो तो आपके लिए एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। कन्वर्जन रूल्स आपने अप्लाई करने हैं, आप एनएनपी एट एफसी इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपैरिजन करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास गिवन है यहां पर नेट, लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है, ग्रॉस। ग्रॉस में से ऐसी कौन सी वैल्यू हम माइनस करें कि वो हमारे पास नेट आ जाए। सो ये हमारे पास कन्वर्जन रूल, ग्रॉस में से अगर हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट। तो इट मींस यहां से हमें कौन सी वैल्यू माइनस करनी है, डेप्रिसिएशन की। सो ऐसे ही एक एक वैल्यू को आप कंपेयर करोगे और कन्वर्जन रूल्स अप्लाई करोगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेशनल, लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक इनकम में हम कौन सी वैल्यू ऐड करें कि वो हमारी नेशनल इनकम बन जाए। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, अगर हम इसको ऐड कर देते हैं डोमेस्टिक में तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। लास्ट कंपैरिजन हमारे पास है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है लेकिन हमारे पास मार्केट प्राइस गिवन है,
मार्केट प्राइस में से कौन सी वैल्यू माइनस करें कि वो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट आ जाए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करने के बाद वो आपको कोई भी वैल्यू पूछ सकते हैं। सो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने वैल्यू एडेड मेथड को अंडरस्टैंड किया, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड किया और कुछ कन्वर्जन रूल्स लर्न किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी जोली कोचिंग पर फॉलो करके भी हमें पूछ सकते हैं।